मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। यस न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुर्गा पूजा फेस्टिवल विज्ञापन। दुर्गा पूजा 2019 के पूर्व कराएं अपना विज्ञापन बुकिंग, पाएं एक आकर्षक उपहार। कराएं अपना बुकिंग मात्र 2000 में 10 दिनों का, क्योंकि आप शुभकामनाएं देंगे वीडियो में खुद से आके। संपर्क करें 9709894194 7004825539। नवगछिया, मोटर व्हीकल्स एक्ट के विरोध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का किया पुतला दहन। नवगछिया में मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 वापस लेने, यातायात सुरक्षा के नाम पर जबरन वसूली करने, हाईवे पर 15 किलोमीटर के अंतराल पर आधुनिक सुविधाओं से लेंस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करने की मांग को लेकर बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर भारत के बेरोजगार नौजवानों पर नौकरी की कमी नहीं। बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पुतला दहन किया गया। वहीं उत्तर भारत के बेरोजगार नौजवानों पर नौकरी की कमी नहीं है, योग्यता की कमी है। अपमानजनक बयान देने वाले केंद्रीय श्रम रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार का भी संयुक्त रूप से इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत नौगछिया के वैशाली चौक पर पुतला फूका गया। मौके पर मौजूद इनोस के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय ने कहा कि देश को आर्थिक मंदी में झोंक कर अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार और उनके परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यातायात सुरक्षा के नाम पर देश की आम जनता पर काला कानून थोपकर उससे जबरन वसूली कर रहे हैं। ऐसे काले कानून को अविलंब वापस ले मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। इससे लाचार होकर देश के पढ़े लिखे बहुसंख्यक नौजवान मोटरसाइकिल व मोटर वाहन के सहारे मंजन कपड़ा बर्तन सहित अन्य काम कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 कानून काला कानून है, इसका मार बेरोजगार नौजवानों पर उतर रहा है। उन्होंने श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा उत्तर भारत के बेरोजगार नौजवानों पर अपमानजनक बयान देना बेहद ही शर्मनाक है और विलंब ऐसे घटिया सोच वाले केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की और नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी देने की मांग की। कार्यक्रम में इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय, इनोस के जिला सह संयोजक प्रमोद मंडल, इनोस नेता विष्णु देव मंडल, वीरेंद्र कुमार छंगुरी मंडल, रोहित कुमार, कुंदन कुमार, सुमन कुमार व माले नेता राधे श्याम रजक मनोज सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। ढोलबज्जा, ट्रैक्टर की ट्रॉली को पीछे से पकड़ जा रहे साइकिल सवार युवक गिरकर हुआ जख्मी। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मिलन चौक के फोर लेन सड़क पर मंगलवार को साइकिल सवार युवक खापुर रतवाड़ा थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव निवासी श्रवण मंडल के पुत्र लालू कुमार गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल लालू को उठाकर प्राथमिक उपचार कराया। घटना की सूचना पर पहुंचे कदवा ओपी पुलिस ने उसे बेहतर इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। लालू कुमार के माथे व शरीर में गंभीर चोट लगी है। देर शाम को होश आने के बाद लालू ने पुलिस को बताया कि वह साइकिल पर सवार था। कदवा के फोर लेन सड़क पर ट्रैक्टर की ट्रॉली को पीछे से पकड़कर नौगछिया 0 माइल की तरफ जा रहा था। मिलन चौक के पास एकाएक सामने दूसरा अज्ञात वाहन आ जाने के कारण वह घबराकर संतुलन खो बैठा, जिससे वह गिरकर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही छात्र जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल ने अस्पताल पहुंचकर घायल लालू कुमार का हालचाल जाना, जहां लालू की स्थिति ठीक ठाक थी। नवगछिया, बीरेंद्र सिंह बने जदयू जिलाध्यक्ष। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश नेतृत्व ने एक बार फिर पूर्व जिलाध्यक्ष बीरेंद्र प्रसाद सिंह को नवगछिया संगठन जिला जदयू की कमान सौंप दी है। जदयू मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि मंगलवार को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने इसकी सूचना जारी कर दी है। ज्ञात हो कि 13 उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण नवगछिया जिलाध्यक्ष के मनोनयन के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत कर दिया गया था। वीरेंद्र सिंह के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। नवगछिया, किसानों ने रिंग बांध के अविलंब निर्माण एवं जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा दिए जाने की मांग, डीएम को दिया आवेदन।
नवगछिया इस्माइलपुर से जाह्नवी चौक तक बनने वाले रिंग बांध के निर्माण में चिन्हित किए गए किसानों की जमीन को अधिग्रहण किए जाने की मांग को लेकर इस्माइलपुर के किसानों ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है। किसानों का कहना है कि इस्माइलपुर प्रखंड में अर्धनिर्मित रिंग बांध बना पड़ा है, जिसमें किसानों की जमीन बर्बाद हुई है। अभी तक ना तो रिंग बांध का कार्य पूरा हुआ है, ना ही अब तक किसानों को मुआवजे की राशि मिली है। अर्धनिर्मित रिंग बांध निर्माण होने के कारण हजारों एकड़ जमीन में जल जमाव बना रहता है। किसानों को ससमय फसल नहीं उपजता है। सड़क तहस नहस होने के कारण करोड़ों रुपए की क्षति होती है। कुछ गांव लंबे समय तक बाढ़ के पानी में घिरा रहता है। आवागमन की असुविधा बनी रहती है। वहीं मौके पर जिला परिषद विपिन कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों द्वारा वही बताते चले कि विगत वर्ष ग्रामीणों ने स्थानीय जिला परिषद विपिन कुमार की अगुवाई में आमरण अनशन भी किया था। इसके अलावा समय समय पर उक्त समस्या के निदान के लिए आवेदन भी उचित माध्यम से देते आ रहे हैं। हम लोगों को पदाधिकारी द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलते नजर आ रहे हैं, परंतु उक्त कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। किसानों ने जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजे हेतु नोटिस तमिला कराते हुए रिंग बांध का निर्माण यथाशीघ्र किए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। नवगछिया में 30 किलो पॉलिथीन कैरी बैग जब्त, 16,000 वसूला गया जुर्माना। नवगछिया नगर पंचायत के स्टेशन रोड में बुधवार को पॉलिथीन कैरी बैग उन्मूलन अभियान के तहत नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन एवं नवगछिया BDO प्रशांत कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस छापेमारी अभियान के दौरान शहर के स्टेशन रोड के विभिन्न दुकानदारों से 30 किलो पॉलिथीन कैरी बैग को जब्त किया गया। मौके पर प्रतिबंध के बाद भी पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग करने वाले दुकानदारों को जुर्माना भी किया गया। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न दुकानदारों से कुल 16,500 रुपए दंड स्वरूप वसूल किए गए। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन पॉलिथीन कैरी बैग उपयोग करने वाले दुकानदारों को पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दे दी। साथ ही बताया कि पॉलिथीन कैरी बैग हमारे पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रदूषित कर रहा है, जो आगे चलकर मानव सभ्यता पर इसका प्रतिकूल असर कर सकता है, इसलिए पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग ना करें। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान CBSE पाठ्यक्रम अंग्रेजी से हिंदी माध्यम। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक राजेंद्र कॉलोनी नवगछिया। हॉस्टल के साथ नवगछिया का एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। व्यवस्थापक शुभंकर कुमार मिश्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9908926037। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारे। आवासीय ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान राजेंद्र कॉलोनी नवगछिया। ओम इंटरप्राइजेज मदन अहिल्या महिला कॉलेज के सामने हरनाथ चक नवगछिया। बिजली उपकरण के लिए एक बार अवश्य पधारें। CCTV कैमरा के लिए संपर्क जरूर करें। प्रोप्राइटर भानु कुमार 8210124280 8210124280। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। क्या आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं? तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेनिंग क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए और जानिए क्यों और कैसे रखें स्टॉप लॉस। वेल्थ डिस्कवरी AN झा फाइनेंस एडवाइजर इक्विटी कमोडिटी एंड करेंसी म्यूचुअल फंड्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस सेविंग आनंद @easywealth.in 9891305599। नवगछिया पान मसाला की खरीद बिक्री व व्यवहारिक करने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में सभी प्रकार के पान मसालों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नवगछिया नगर पंचायत द्वारा इस दिशा में कार्रवाई को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। नवगछिया नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने कहा कि सभी प्रकार के पान मसाला गुटखा का प्रयोग प्रतिबंध है। इसका खरीद बिक्री व व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही दंडित भी किया जाएगा। नवगछिया शेख दुलारा हत्याकांड में शेख रवीश को उम्र कैद की सजा, एक रिहा। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने हत्याकांड मामले में दोषी पाते हुए गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंगिया मकनपुर निवासी शेख रवीश को
उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में शेख रियाज को हत्या का साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया है। न्यायालय ने शेख रवीश को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 अर्थ दंड की राशि मृतक शेख दुलारा की पत्नी को भुगतान करने का निर्देश दिया है। शेख दुलारा की पत्नी को ससमय अर्थ दंड की राशि भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत किए गए गवाह से मिले साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। मालूम को 20 अक्टूबर 2016 को शेख रवीश व अन्य मिलकर ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहे शेख दुलारा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेख रवीश ने शेख दुलारा की हत्या अपने घर के पास ही कर दिया था। घटना के बाद मृतक शेख दुलारा के भाई शेख आजाद के बयान पर गोपालपुर थाना कांड संख्या 2010/16 दर्ज की गई थी, जिसमें शेख रवीश, शेख रियाज, शेख बबलू, शेख राजा, शेख शाहिद एवं अलाउद्दीन को नामजद किया गया था। वहीं अभियोजन पक्ष से बहस में हिस्सा पर लोक अभियोजक श्री किशोर झा ने लिया। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा सत्र वाद संख्या 295/17 के तहत शेख रवीश एवं शेख रियाज की सुनवाई की गई, जिसमें शेख रवीश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि शेख रियाज को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों की सुनवाई अलग से चल रही है। ओम इंटरप्राइजेज मदन अहिल्या महिला कॉलेज के सामने हरना चक नवगछिया। बिजली उपकरण के लिए एक बार अवश्य पधारें। सीसीटीवी कैमरा के लिए संपर्क जरूर करें। प्रोप्राइटर भानु कुमार 8210124280 8210124280। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नौगछिया की सुप्रसिद्ध फर्नीचर दुकान मांबे फर्नीचर सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने एवं तेतरी दुर्गा स्थान के सामने, जहां उपलब्ध है एक से बढ़कर एक पलंग, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित फर्नीचर के सभी सामान, साथ ही किस्तों पर भी फर्नीचर उपलब्ध हैं। संपर्क करें गौतम चौधरी, मांबे फर्नीचर, नौगछिया। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739557। सब्सक्राइब करें गोसाई गौ समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97098 94194।